है जो मैंने ऑयल लिया है, तकरीबन 3 चम्मच के अंदर मैं डालूंगी जी, ये 200 प्याज है ठीक है, 200 प्याज डालूंगी और ये 1 कटी लहसुन की है। इसको मसाला हो गया है, अब इसके अंदर मैं मसाला डालूंगी। इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है जी, और 1 टीस्पून ही मैं इसमें डालूंगी नमक, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें सूखा धनिया, और 1/2 टीस्पून डालेंगे जी हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून डालेंगे जी जीरा। अब इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी ऐड करने के बाद इसको हम 1 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे ठीक है, हल्दी आंच पे इसको हम थोड़ा सा गलने देंगे। और जब गल जाएगा फिर हम इसको, ये टमाटर है, 2 अदर टमाटर है और 2 ग्रीन चिलीज हैं जो मैंने इसको चॉप कर लिया है, अब इसके अंदर हम ये डालेंगे जी। और ये है जी 2 टेबल स्पून दही के, ये डालेंगे दही के 2 टेबल स्पून इसके अंदर डालेंगे जी, और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे कि घी आ जाए ठीक है जी। जी तो घी आना शुरू हो गया है, अब इसके अंदर डालेंगे जी हम चिकन, ये 1/2 केजी चिकन है, ये हम इसके अंदर डालेंगे जी। डालेंगे जी ये है जी 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, और इसकी हम करेंगे भुनाई भुनाई की है, अब इसको कवर करेंगे और हल्के से टेंडर हो चुका है, बल चुका है, हम इसको डालने के लिए इसको ढकेंगे और इसके बाद मैं इसको रिशॉल करूंगी। फाइनल 1 टेबल टीस्पून देसी घी खुद हो गया, क्योंकि सालन भी गर्म है। तो ये है जी मेरी रेसिपी का फाइनल लुक। अल्लाह हाफिज़।